एमएलए है, जेजेपी की टिकट पर पिछला चुनाव लड़ा था, एकमात्र ऐसे विधायक है जो जेजेपी के साथ जुड़े रहे, तीन विधायक बचे थे, सात भाग गए थे। इनकी जो आगे चल रही है इसको लेकर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अभी, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला है। जो पहले लग रहा था कि एक तरफा माहौल होगा, वैसा माहौल चुनाव प्रचार खत्म होते तक नजर नहीं आया, क्योंकि बीजेपी ने जो जातीय समीकरणों को लेकर अपने उम्मीदवार को उतारा था, उसके बाद जेजेपी की तरफ से अमरजीत धारणा बहुत कमजोर नहीं, पार्टी कमजोर है। और मामन खान, जिसका पहले भी हमने जिक्र किया था, फिरोजपुर झिरका से मामन खान आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की हवा का फायदा क्या मामन खान को मिल रहा है, और थोड़ा माहौल वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब होते रुझानों में तो नजर आ रहे हैं। आफताब अहमद बड़े कद के नेता है, नू से इस बार आगे हैं, यहाँ कोई हैरानी नहीं कि इस सीट पर ये रुझानों में और परिणामों में दोनों में आगे रहे और जीत दर्ज करें। आफताब अहमद बड़ा नाम है कांग्रेस में, और नू क्षेत्र में लगातार बेदाग छवि आफताब अहमद की, और अभी रुझानों में आफताब अहमद आगे चले। लेकिन यहाँ अगर हम नू की बात करें तो ये बड़ा चेहरा है अरविंद शर्मा, रोहतक से हार गए थे चुनाव दीपेंद्र हुड्डा से, जितनी बड़ी पिछली जीत थी उतनी बड़ी इस बार हार थी, लेकिन गोहाना से इनको टिकट दिया है। योगेश्वर दत्त टिकट की चाह में थे, दरवाजा खटखटाया था आलाकमान का योगेश्वर दत्त ने, पूर्व ओलंपियन मेडलिस्ट, लेकिन टिकट इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा को। बगावत भी बड़े स्तर पर हुई थी, कुलदीप शर्मा गन्नौर से पीछे, या देवेंद्र कादियान क्या बाजी मार जाएंगे जो निर्दलीय हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े शहरों में से अगर ये पीछे चल रहे हैं तो जाहिर है बड़ी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ कुलदीप शर्मा चेहरों पर मुहर लगाएगी जनता, या फिर किसी युवा में अपना भविष्य तलाशेगी गन्नौर की जनता, इस पर नजरें हैं। देवेंद्र कादियान मजबूत है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से आगे, ये तस्वीर बार बार ये भी दिखा रही है कि इसी चेहरे के पीछे पूरा चुनाव ये लड़ा गया है। मंजू हुड्डा, ये तस्वीर देख लीजिए, गढ़ी सांपला किलोई से पीछे बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी ने मंजू हुड्डा पर दाव खेला है। जिला परिषद का चुनाव भी इन्होंने लड़ा लेकिन हार गई थी, और अब गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव प्रचार, हमने देखा कि धुआंधार चुनाव प्रचार, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि वहां पे शायद उनको जाने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा हरियाणा उन्होंने संभाल रखा था जी। और क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उससे पहले एक बड़ी खबर बताते हैं। कश्मीर के अनंतनाग में बने मीडिया सेंटर में न्यूज 18 पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। न्यूज 18 के जरिए लोग जम्मू कश्मीर के रुझानों की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हम पहले से लगातार आपको बता रहे हैं कि न्यूज 18 विश्वसनीयता के साथ 20 सालों से लगातार सबसे पहला रुझान, सबसे पहला परिणाम, वो भी सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहा है। और बिल्कुल, जो तेजेंद्र हैं हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के सीनियर एडिटर, वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी इस बारे में तफसील से हम जानकारी लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है, उसे लीड मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी जम्मू रीजन में अच्छा करती हुई नजर आ रही है, क्या वो अपनी 25 सीटें रिटेन कर पाएगी वो एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर और मुकेश जी सामने आई है कि बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता जो जम्मू कश्मीर में हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग हैं, दविंदर सिंह राणा हैं जो बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिए गए हैं, उन्हें कश्मीर डेप्यूट किया गया है वहां पर कुछ पार्टियों से बातचीत करने के लिए। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कश्मीर घाटी में वो किस किस, ये जो लीडर जिनको कश्मीर भेजा गया है वो किन किन पॉलिटिकल पार्टी से मिलते हैं, किन किन लीडर से मिलते हैं। दविंदर राणा के बारे में मुकेश जी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दविंदर राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, बीजेपी में आने से पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जम्मू रीजन के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट थे, उमर अब्दुल्ला के निहायती करीबी माने जाते थे, और उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर थे तो दविंदर सिंह राणा उनके पॉलिटिकल एडवाइजर थे। तो आज दविंदर सिंह राणा का कश्मीर जाना, बीजेपी की उस कमेटी के साथ जो कश्मीर में जाके बाकी पार्टियों से ये विचार विमर्श करेगी कि आगे जाके क्या सरकार बनाने के लिए उन
पार्टी से या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से गठबंधन करने के लिए कोशिश करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देवेंद्र सिंह राणा का इस मौके पे कश्मीर जाना, तो क्या कोई नया समीकरण बनता हुआ नजर आएगा? ये काफी जो है दिलचस्प रहेगा जब रिजल्ट सामने आएगा। जी मुकेश जी, क्योंकि जो समीकरण है जाहिर है कि इसके लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा, और जिस हिसाब से एग्जिट पोल है या जो आपका आंकलन है उसमें भारतीय जनता पार्टी, अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की बात करें तो उनसे तकरीबन आधे में दिखाई दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि उनको वहां भेजने से कोई चमत्कार होगा? समीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। समीर, इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है, ये आप हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, जो ताज़ा अपडेट ये है कि जो बीजेपी है वो जम्मू में अच्छा कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो कश्मीर वैली में अच्छा कर रहा है, पीडीपी को भी कुछ सीटें जो है बढ़त उनमें मिली है, लेकिन ज़्यादातर जो जम्मू की सीटें और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो पोस्टल बैलेट से जो अभी काउंटिंग हो रही है उसमें बीजेपी आगे चल रही है। हालांकि अभी ये देखना पड़ेगा कि जब ईवीएम की मशीन का जो काउंटिंग है, जब उसका पहला राउंड होगा तो उसके नवीयत क्या होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर, जो सियासी तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, वो है कि बीजेपी ने अपने कदावर नेताओं जैसे तरुण चुग और देवेंद्र सिंह राणा को कश्मीर भेज दिया है। और देवेंद्र सिंह राणा से मेरी अभी टेलीफोन पे बात हुई, मोबाइल पे बात हुई, तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो श्रीनगर पहुंचे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, आपका यहाँ पे चुनाव था, आप नगरोटा से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन इसी बीच आप यहाँ के बजाय कश्मीर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जब नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो उनकी हर एक के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो जो नए जो वहां पे आजाद उम्मीदवार हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में पहले थे, कांग्रेस में पहले थे, पीडीपी में थे या कहीं पे, और अभी एज एन इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको साधने की कोशिश है, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसको साधने की कोशिश है। सज्जाद लोन, क्योंकि उनके साथ जो बीजेपी का पहले से ही इनडायरेक्ट अलायंस रहा है, इसी तरह से अपनी पार्टी है उनको साधने की कोशिश है। और हो सकता है आज दिन भर वो जब रिजल्ट सामने आएंगे तो उसके बाद ये दोनों नेता उससे पहले ही कई नेताओं से मिलेंगे, जिसमें अपनी पार्टी हो या पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और जो मैंने कहा कि इंडिपेंडेंट जो है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो जमात इस्लामी के। जानकारी को और तफसील से हम समझने की कोशिश करते हैं। सोडी साहब, जो समीर जानकारी दे रहे हैं इसके क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए मुकेश जी, जैसे हम लोग हर बार यही कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, तो क्या होगा, अनिश्चितताएं बहुत बनी हुई हैं स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो एक क्लियर मैंडेट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता है। वहां पर कोलिशन की सरकार रहती है, प्री पोल अलायंस जो अभी बना हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, देखिए जिस तरह का रुझान एग्जिट पोल के बाद आया था वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं दे विल इजली सेल थ्रू, वो उनकी नैया जो है पार लग जाएगी। कुछ एक दो कैंडिडेट्स की, एक दो एमएलए की उन्हें जरूरत पड़ेगी, छोटी पार्टियां काफी हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब कोई गठबंधन इस जगह पर पहुंच जाता है। माफ कीजिएगा, रोकना चाहते हैं आपको, जो ट्रेंड है वो बता दें, रुझानों में दोनों ही राज्यों में, जम्मू कश्मीर में भी हरियाणा में भी कांग्रेस आगे चल रही है, काफी अच्छी बढ़त के साथ रुझानों में कांग्रेस चल रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जनादेश का दिन है, रुझान बता रहे हैं, जहां रुझान ये कह रहे कि दोनों ही राज्यों में फिलहाल कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, रुझानों में दोनों ही राज्यों में कांग्रेस बीजेपी से कहीं आगे है। जी, चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, दोनों ही जगह में कांग्रेस आगे चल रही है अभी, लेकिन ये शुरुआती दौर है और पोस्टल बैलेट की हम बात कर रहे हैं। ईवीएम से गिनती शुरू हो गई है, 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट की गिनती थी, उसके बाद ईवीएम खुल चुकी है, और जम्मू कश्मीर हरियाणा से जो रुझान आए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस रुझानों में दोनों ही राज्यों में आगे चल रही है। तो अगर अब आप इजाजत दें तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें। जी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ताजा रुझानों के साथ, सटीक विश्लेषण के साथ हम वापस आ रहे हैं एक हल्के से छोटे से ब्रेक के बाद।
पीसीआर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हर वीजे को बोलो अनंतनाग की 7 असेंबली नशस्तों के लिए वोट शुमारी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और हम इस वक्त बिल्कुल वोटिंग सेंटर के अंदर है और ये मीडिया सेंटर का व्यू है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है रिजल्ट्स आएंगे अंदर से जो काउंटिंग सेंटर्स है और वो यहाँ पर कंपाइल होते हैं और उसके बाद वो रिजल्ट्स अपडेट होते हैं और जो ट्रेंड है वो लोगों के सामने आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 ने फिर एक बार अपना लोहा मनवा लिया है और ये मीडिया सेंटर की तस्वीर है जहां पर आप डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के मुलाजमीन जो है वो आप देख सकते हैं और जो DIO है वो बजाते खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन के मुलाजमीन है इंफॉर्मेशन का अमला है वो यहाँ पर रिजल्ट्स को अपडेट करते हैं ट्रेंड्स को अपडेट करते हैं और उसके बाद ही वो ट्रेंड जो है मुशायर होता है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि ये न्यूज 18 की तस्वीर है जो वॉच किया जा रहा है रेगुलरली यहाँ मीडिया सेंटर में भी और यकीनी तौर पर जो रिजल्ट्स है वो स्टिक होते हैं जो ट्रेंड्स होते हैं वो स्टिक होते हैं न्यूज 18 की जानिब से और ये कोशिश रहती है न्यूज 18 की कि सबसे पहले और सबसे सटीक रिजल्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाए और इस बार जो न्यूज 18 ने फिर एक बार माजी की तरह लोहा मनवा लिया है। फिलहाल देखेंगे कि ट्रेंड्स सामने क्या आते हैं और उसके बाद ही फैसला लिया जा सकता है कि कौन फातेह होगा और किसके सर